हम बोलिए सीमा सर जी को आप। कमिटमेंट किए थे कि हम उनको नागरिकता दिलाएंगे, जी लेकिन अगर सर इसी प्रकार से उनका बिहेव रहेगा तो हमें लगता है जी बहुत जल्दी महाराणा प्रताप सेना को उनसे दूरी बना लेनी होगी, क्योंकि जी सर उनका मेन मकसद है मीडिया को बुलाकर हाईलाइटेड करना। अभी सुंदरकांड का पार्ट था, सुंदरकांड करने जी वाला कोई व्यक्ति नहीं था, वो तो हमारे साथ में आदरणीय एपी सिंह जी थे, वो उसको पढ़ रहे थे, और हम एक अपने साथ पंडित जी लेकर थे, वो पढ़ रहे थे। तो अगर आप जी किसी सर कार्य को कर रहे हैं तो गंभीरता से करिए। सनातन धर्म है, सनातन धर्म में जी आपको अगर कोई भी पूजा पाठ करनी है तो उसको कमिटमेंट करके उसको करना है भाई। उनको उनको कम से कम एक वीडियो देना चाहिए था सीमा को जी कि जी भाई महाराणा बिल्कुल सही प्रताप सर सेना ने, हमने अनुमति के लिए कहा था, उन्होंने अनुमति दिलाई, लेकिन हम फला फला कारण के तहत नहीं जा पा रहे हैं, इसको कहना चाहिए था। जी बिल्कुल सर, मुझे पब्लिकली लगता बोलना है, मुझे चाहिए लगता है मैं पूर्ण रूप से सच हूं। जब 4 बच्चे पैदा हैदर ने किए और जब इन्होंने हैदर को छोड़ दिया, अगर इन्हें कोई दूसरा आदमी मिल जाएगा इस भारत में तो ये सचिन को भी छोड़ देगी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है इस महिला के आचरण से। था। जी सर मैं उनको 2 बार मिला हूं, बस 2 बार उनको रील बनाना है, यूट्यूब पे लाइव आना है, कोई विषय पे चर्चा नहीं करनी है, बस मीडिया में हवाबाजी करनी है। हवाबाजी से काम नहीं लेकिन चलेगा। भारत भारत सोबे सभ्यता और संस्कारित देश है, तो हम आने वाली पीढ़ी को खराब नहीं होने देंगे। जी अगर सर अगर हम सीमा की मदद करना जानते हैं, मदद उस व्यक्ति की जाती है जो मदद के योग्य हो, जो मदद के लायक हो। मदद आप ये करेंगे या बताइए, नहीं। मुझे अनगिनत पाकिस्तान से धमकियां आ रही हैं, करनी सेना के लोग मुझे गालियां बक रहे हैं कि आपने कहा किसका समर्थन कर दिया, और ये महिला इतनी बुद्धि बुद्धिहीन है कि अगर इनको फोन करो मैसेज करो तो ना फोन उठना है, ना मैसेज आना है, ना रिप्लाई देना है। अरे भाई, आपको परमिशन मिली है अयोध्या जाने की, आप जाइए अयोध्या। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो उसका एक अपना संदेश दीजिए कि हमको क्या कारण है। हमने उनके कहने पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी के यहाँ से आदेश हुआ, आदेश होने के बाद ही तो प्रमुख सचिव ने अनुमति दी और जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। महाराणा प्रताप सेना आपकी मदद तो जब कर पाएगा जब आप मदद कराएंगे। जी सर नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं कि भाई अब इनके चक्कर में अगर हमको कोई सुनने को मिलेगा तो भाई ना लेना है ना देना है। अति देवो जी भव, हम सर तो इस नाते सम्मान करते हैं क्योंकि हमारे राष्ट्रीय प्रभारी एपी सिंह है महाराणा प्रताप सेना के, लेकिन सीमा अगर हमको नादान या मूर्ख समझ रही है तो ऐसा समझना इनकी भूल होगी। नहीं, देखिए, नागरिकता का प्रश्न नहीं है। आदमी की, जी मैं क्या कह रहा हूं कि व्यक्ति की मदद तो देखिए, एक व्यक्ति बीमार है, अब उसको जी फीवर आया है, कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर डॉक्टर को अपनी बीमारी के बारे में बताओगे तभी तो डॉक्टर आपका इलाज कर पाएगा। तो सही वीडियो भी फरमाया बनाने से आपने। फुर्सत नहीं है, रिले बनाने से फुर्सत नहीं है। और जी। लखनऊ में, और एक आशीष जी हैं, जब इनको मुसीबत पड़ेगी तो आशीष जी को फोन करेंगी। आशीष चौरसिया जी, हाँ, जब आशीष जी इनको फोन करेंगे सीमा को तो फोन नहीं उठाएंगी, और जब आवश्यकता पड़ेगी तो फोन रात में 2 बजे सीमा कर देंगी आशीष को। तो ये देखिए, आप पब्लिक और मीडिया को मूर्ख मत बनाइए। आपको परमिशन मिली है, आपको मैदान में आना चाहिए और आपको ही बोलना चाहिए कि देखिए हमें परमिशन मिली है, ये कारण है जिस कारण से हम नहीं जा पा रहे हैं, ऐसा इनको बोलना चाहिए। सीमा जो जहां रहती है वहां पे उसके साथ वायलेंस भी होता है, मारपीट भी खाती है। अब देखिए, वो अभी इन सब बातों पे तो आशीष जी को भी पता है, हमें भी पता है और आपको भी पता है, इन बातों से बोलने का क्या मतलब है? आपको पता ही जी है कि वो कहाँ रह रही है, क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा कि हैदर ने एक एप्लीकेशन डाली है सरकार, उन्होंने एक वकील की नियुक्ति की है अपने बच्चे लेने के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझको ऐसा लग रहा है, मैंने सीमा सीमा ने सारे नेशनल मीडिया पर कहा कि जैसे ही मुझे अयोध्या जाने की परमिशन मिलेगी मैं अयोध्या जाऊंगी, पैदल जाऊंगी। आज परमिशन मिल गई अरे है, जगह जगह पुलिस की ड्यूटी लग गई है, तो फिर सीमा क्यों नहीं जा रही है? ये नहीं, चिट्ठी लिखी है राजवर्धन सिंह सर परमार ने, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? राजवर्धन सिंह परमार की है। यहाँ 10 जिलों के एसपी, स्पेशल ब्रांच, क्राइम ब्रांच, 10 जिलों के
प्रोटोकॉल हो चुके हैं, गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, अमरोहा, सीतापुर, बलेरी, बाराबंकी, लखनऊ, अयोध्या, हर जगह से प्रशासन मुझे फोन कर रहा है कि सीमा कहाँ पहुंची है, सीमा कहाँ पहुंची है, सीमा कहाँ पहुंची है। मैं क्या रिप्लाई दूं? नहीं नहीं, उन्होंने भारत की मीडिया को अपनी जागीर समझ लिया है, वही चीज। और उनको ये, मैं राजवर्धन सिंह परमार हूँ, महाराणा प्रताप सेना का संस्थापक अध्यक्ष, मैं कहता हूँ मान सम्मान बात, अगर मान सम्मान स्वाभिमान की आएगी तो भगवान परशुराम का फलसा भी उठाना जानता हूँ। मैं 17 जनवरी को सीमा सचिन मीना के परिवार से पहली बार मिला था और मैं वहां गया था और मिला था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सीमा ने तमाम चैनल के सामने कहा था मुझे अयोध्या जाने की अनुमति मिलेगी तो मैं अयोध्या जाऊंगी। आज सीमा हैदर को महाराणा प्रताप सेना ने अनुमति भी दिला दी जी सर, लेकिन उस अनुमति पर सीमा अयोध्या नहीं जा रही, बल्कि अभी तक सीमा ने किसी भी चैनल, किसी भी यूट्यूब, किसी भी व्यक्तिगत इस कार्य की पुष्टि ही नहीं की है, बल्कि एपी सिंह जी ने एक वीडियो बनाकर परसों इस बात की पुष्टि की कि जो यात्रा मिली है वह किसान आंदोलन के नाते स्थगित की जा रही है। मीडिया में बने रहना ये अच्छी बात नहीं है। अगर महाराणा प्रताप सेना के कहे, उनके कहने पर अनुमति दिलाई तो कम से कम, अगर वो नहीं जा पा रही वो अलग विषय है, लेकिन उनको एक कहना चाहिए ना कि भाई अनुमति मिली है, हम धन्यवाद देते हैं सरकार का, ऐसा उन्होंने अभी तक नहीं कहा। परमिशन तो उन्हें मिल गई है और महाराणा प्रताप सेना ने ही दिलाई है। ये आपके अकाउंट पे भी हमने वो लेटर देखा हुआ है, हम इसको लेकर श्योर हैं। सर, आप उनके परिवार से मिले हो तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जनता का भी सवाल है, जो सीमा हैदर के बच्चे हैं वो उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, उनका हेल्थ का क्या है इशू, उनका सब कुछ सही है या नहीं, समाज में उनको कैसे लोग देख रहे हैं? ये पढ़ाई लिखाई का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि पूरा घर इस समय यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है, मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है, पूरी पूरे देश की जनता सीमा को देख रही है। जी सर, और अब हैदर ने भी एक एप्लीकेशन डाली है बच्चों को लेने के लिए। जी सर, महाराणा प्रताप सेना हर, वो कहते हैं ना कि महिलाओं के सम्मान में महाराणा प्रताप सेना मैदान में। जी सर, सीमा जी की कुछ कमियां हैं और सच बोलना अगर बगावत है तो समझो कि हम बागी हैं। जी सर, हम सीमा जी को कमिटमेंट किए थे कि हम उनको नागरिकता दिलाएंगे, लेकिन अगर इसी प्रकार से उनका बिहेव रहेगा तो हमें लगता है बहुत जल्दी महाराणा प्रताप सेना को उनसे दूरी बना लेनी होगी। जी सर, क्योंकि उनका मेन मकसद है मीडिया को बुलाकर हाईलाइटेड करना। अभी सुंदरकांड का पाठ था, सुंदरकांड करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, वो तो हमारे साथ में आदरणीय एपी सिंह जी थे, वो उसको पढ़ रहे थे, और हम एक अपने साथ पंडित जी ले गए थे, वो पढ़ रहे थे। तो अगर आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो गंभीरता से करिए, सनातन धर्म है, सनातन धर्म में आपको अगर कोई भी पूजा पाठ करनी है तो उसको कमिटमेंट करके उसको करना है। भाई उनको उनको कम से कम एक वीडियो देना चाहिए था सीमा को कि भाई महाराणा प्रताप सेना ने, हमने अनुमति के लिए कहा था, उन्होंने अनुमति दिलाई, लेकिन हम फला फला कारण के तहत नहीं जा पा रहे हैं, इसको कहना चाहिए था। बिल्कुल सर, मुझे लगता है मैं पूर्ण रूप से सच हूँ, जब चार बच्चे पैदा हैदर ने किए और जब इन्होंने हैदर को छोड़ दिया, अगर इन्हें कोई दूसरा आदमी मिल जाएगा इस भारत में तो ये सचिन को भी छोड़ देगी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है इस महिला के आचरण से। मैं उनको दो बार मिला हूं, बस दो बार उनको रील बनाना है, यूट्यूब पे लाइव आना है, कोई विषय पे चर्चा नहीं करनी है, बस मीडिया में हवाबाजी करनी है। हवाबाजी काम नहीं चलेगा, भारत सोबे सभ्यता और संस्कारित देश है, तो हम आने वाली पीढ़ी को खराब नहीं होने देंगे। जी सर, अगर हम सीमा की मदद करना जानते हैं, मदद उस व्यक्ति की जाती है जो मदद के योग्य हो, जो मदद के लायक हो। आप ये बताइए, मुझे अनगिनत पाकिस्तान से धमकियां आ रही हैं, कर्णी सेना के लोग मुझे गालियां बक रहे हैं कि आपने कहा किसका समर्थन कर दिया, और ये महिला इतनी बुद्धिहीन है कि अगर इनको फोन करो, मैसेज करो तो ना फोन उठना है, ना मैसेज आना है, ना रिप्लाई देना है। अरे भाई, आपको परमिशन मिली है अयोध्या जाने की, आप जाइए अयोध्या। अगर आप नहीं जा रही तो उसका एक अपना संदेश दीजिए कि हमको क्या कारण है। हमने उनके कहने पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी,
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी के यहाँ से आदेश हुआ, आदेश होने के बाद ही तो प्रमुख सचिव ने अनुमति दी और जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। महाराणा प्रताप सेना आपकी मदद तो जब कर पाएगा जब आप मदद कराएंगे। जी सर। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई अब इनके चक्कर में अगर हमको कोई सुनने को मिलेगा तो भाई न लेना है न देना है। अति देवो बाबा, हम तो इस नाते सम्मान करते हैं क्योंकि हमारे राष्ट्रीय प्रभारी एपी सिंह है महाराणा प्रताप सेना के, लेकिन सीमा अगर हमको नादान या मूर्ख समझ रही है तो ऐसा समझना इनकी भूल होगी। नहीं नहीं, देखिए नागरिकता का प्रश्न नहीं है, आदमी की, मैं क्या कह रहा हूँ कि व्यक्ति की मदद तो देखिए, एक व्यक्ति बीमार है, अब उसको फीवर आया है, कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर डॉक्टर को अपनी बीमारी के बारे में बताओगे तभी तो डॉक्टर आपका इलाज कर पाएगा। तो वीडियो बनाने से फुर्सत नहीं है, रिले बनाने से फुर्सत नहीं है। जी 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 जी। और लखनऊ में एक आशीष जी हैं, जब इनको मुसीबत पड़ेगी तो आशीष जी को फोन करेंगी।